हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पेनक्रियाज के क्या क्या काम होते हैं वे इसमें सूजन या अन्य कारणों के कारण आई दिक्कतों से हमें क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए आपको पहले आपको विस्तार से ये बताएंगे कि पेनक्रियाज का हमारे शरीर में क्या प्रभाव होता है, क्या क्या इसके कारण होते हैं। दोस्तों, हमारी छोटी आंत का शुरू का हिस्सा ड्यूडिनम कहलाता है। यह ड्यूडिनम केवल 12 इंच लंबा होता है। ड्यूडिनम लैटिन के ड्यूओडेसिमस से बना है, क्योंकि ये 12 इंच का होता है। संस्कृत भाषा में इसको द्वादश भी कहते हैं, क्योंकि 12 इंच का होने के कारण संस्कृत में 12 को द्वादश कहा जाता है, इसलिए इसका नाम ड्यूडिनम पड़ा है। अब इसका क्या क्या काम होता है मैं आपको बताता हूं। हमारे भोजन में, भोजन को पचाने का सबसे मेन कारण हमारे ड्यूडिनम का होता है, यानी पेनक्रियाज का होता है। पेट का भोजन पाचन रसों को लेकर छोटी आंत के इस भाग में पहुंचता है। इस समय इसमें अनेकों पाचन रस भी पहुंचने लगते हैं। अन्य जितने भी हमारे शरीर के पाचन रस होते हैं वे भी इसमें पहुंचने लगते हैं, जिसमें से हमारे लीवर जिगर से पित्तरस, पेनक्रियाज से उसका स्राव, उसका रस भोजन को पचाने के लिए पहुंच जाते हैं। पेनक्रियाज एक ग्रंथि है, जिसे ग्लैंड्स भी कहते हैं। इसका स्राव क्लोमरस, इसके स्राव को क्लोमरस भी कहते हैं। अम्ल एसिड नहीं बनाता, ये हमारे शरीर में अक्षारीय, जिसे एल्कजाइन के भी कहते हैं, इसके एल्कजाइन के लिए मेरे पास कई जगह से कमेंट आए कि सर ये एल्कजाइन होता क्या है और ये बढ़ जाता है तो इसके क्या क्या नुकसान होते हैं। उनको कमेंट के माध्यम से मैंने उस बताया उसके बारे में। एल्कजाइन जो होता है हमारे पेट के अंदर एक क्षारीय रस होता है, जो यदि बढ़ जाता है तो हमारा शरीर में, हमारी किडनी में, हमारे लीवर को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ये इस क्लोम रस यानी पेनक्रियाज सिक्रेशन का काम श्वेत क्षार यानी स्टार्च को शर्करा में बनाने का कार्य करना होता है। प्रोटीन को पचाने का काम करना होता है, यानी प्रोटीन को ये हल करने का काम करता है, तथा चर्बी को ग्लिसरीन तथा अन्य में, ग्लिसरीन तथा अम्ल में तोड़कर देना इसका कार्य होता है। घी चर्बी वाले पदार्थ जो नहीं पचते उनको पचाने का काम पेनक्रियाज का होता है। जब पेनक्रियाज काम नहीं करता तो ये पचने बंद हो जाते हैं। इस क्लोम रस की अत्यंत आवश्यकता हमारे शरीर में होती है। इस क्लोम रस यानी जिसे पेनक्रिएटिक सिक्रेशन कहते हैं, ये ही हमारे शरीर से चिकनाई, कोई भी किसी भी किस्म की हम चिकनाई खाते हैं, घी तेल चर्बी आदि को पचाता है। मल में यानी लैट्रिन में
यदि फैट मिले, चिपचिपा मल हो, चिकनाई युक्त मल हो, तो समझ जाना चाहिए कि आपका पैनक्रियाज सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। जब पैनक्रियाज काम नहीं करता, तभी मल में चिपचिपापन, मल में चिकनाई, मल में चिकनाई के कण आने शुरू हो जाते हैं। पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा होता है तब क्योंकि पैनक्रियाज का काम फैटी चीज़ें पचाने का होता है। जितनी भी हम फैटी चीज़ें लेते हैं, घी, तेल, चर्बी, मिठाई वगैरह, कोई भी चीज़ हम फैटी खाते हैं, उसको ये डाइजेस्ट करता है, यानी पचाता है, हजम करता है। अब यदि ये काम नहीं करता तो इसका उपचार हमें क्या करना चाहिए, इसकी सबसे बेस्ट मेडिसिन क्या है, वे आज मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, इसकी सबसे पहली और सबसे बेस्ट मेडिसिन है आयरिस वीर। ये 200 पोटेंसी में लेनी शुरू कर दें आप, जिनको ये उपरोक्त जो मैंने शिकायतें बताई हैं, तो वो इसको बहुत ही अच्छी तरह से डाइजेस्ट करने का कार्य करेगी आपके घी, तेल, चर्बी के बने भोजन को खाने से जो जो दिक्कतें होती हैं उसको सही करती है, आपके पैनक्रियाज को ठीक करती है, आपकी कोलन ग्रंथियां, इन सब को ठीक करती है। सारी इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि सारी भोजन नली, यानी गले से लेके नीचे पेट तक बहुत भारी जलन होती है, वाइट कलर का सूत जैसे, तार जैसे इसमें से रेशे निकलते हैं पित्त के, वोमिटिंग होती है, जलन बहुत ज़्यादा होती है, चर्बी युक्त भोजन, भोजन जिसको हजम नहीं होता उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिन है। इसकी एक और खासियत है, जिनको ये शिकायत हो कि उनको बार बार बहुत ही ज़्यादा मोशन होते हों, और मोशन यानी उनके मल में बहुत ही ज़्यादा स्मेल हो और बहुत ही ज़्यादा जलन होती है मल जाते समय, पोटी जाते समय, जिनको मल में बहुत ज़्यादा जलन होती है, मल ऐसा गरम गरम निकलता है, बहुत ही जैसे बहुत अंदर कोई हीट लगी हो, पेट में ऐसे जलन पैदा करता है जैसे पेट में अंदर कोई अंगारे रखो, इस टाइप से यदि शिकायत होती है, मल गरम गरम आता है और फ्लैश पर भी चिपक जाता है, उसके लिए आयरिस वीर मेडिसिन बहुत ही आवश्यक मेडिसिन है। फ्रेंड्स, इसमें असल में कई बार हम कुछ वाक्य जो हमें मेडिकल लैंग्वेज में बोलने होते हैं, जो इंग्लिश में होते हैं, उनको हिंदी में बोलते समय थोड़ा सा, क्योंकि उसका सेंटेंस साथ के साथ यदि हम करते हैं तो थोड़ा कई बार बोलने में, समझने में कमी आ जाती है, उसे आप थोड़ा ध्यान दें। इसकी दूसरी मेडिसिन है इस्पोंजिया टोस्टा, यानी इसके अंदर जितनी भी मेडिसिन, पैनक्रियाज क्योंकि ये ग्लैंड्स हैं, और इसमें जो जो मेडिसिन आप देंगे वे ग्रंथियों से संबंधित मेडिसिन यदि पेशेंट को देते हैं, जैसे इस्पोंजिया टोस्टा, ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है इसकी। जिनको बहुत ही ज़्यादा गले में खांसी की शिकायत रहती है, ग्लैंड्स हो जाते हैं, गले में दर्द रहता है, खांसते समय छाती में बहुत ही ज़्यादा बलगम घड़घड़ाहट होता है, किसी भी दवाई से खांसी जब ठीक नहीं होती, गले के ग्लैंड्स बढ़ने के कारण, तो उसमें स्पोंजिया टोस्टा बहुत बेस्ट कार्य करती है। इसमें अगली मेडिसिन है कोनियम मैक। कोनियम मैक ऐसी मेडिसिन है जिनको शरीर में जगह जगह गांठे बन जाती है, हमारी ग्रंथियों में सूजन आने लगती है। विशेषता एक और यह कोनियम में कि कोनियम के पेशेंट को नीचे पैरों से झंझनाहट शुरू होकर ऊपर को चढ़ती है, ऐसा लगता है पेशेंट को कि जैसे मेरे पैर नीचे से ऊपर की तरफ को सुन होते जा रहे हैं, उसमें आप कोनियम दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक लास्ट मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ, वो मेडिसिन है
पैराटीडिनम, ये स्पेशल मम्स के लिए जो हमारे गले से स्राव निकलता है उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ग्लैंड्स जिनके बढ़ जाते हैं, गले की ग्रंथियां जिनकी बढ़ जाती है, और किसी भी दवाई से ठीक होने में नहीं आती, उस समय उस के लिए पैराटीडिनम बहुत ही बेस्ट कार्य करती है मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, ये पैनक्रियाज एक हमारे शरीर का लीवर की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यदि पैनक्रियाज में कोई भी दिक्कत आ जाती है तो हमारा पूरा एब्डोमिनम में गड़बड़ा जाता है, हमारे पाचन शक्ति खत्म होने लगती है, हमारे पेट में हर समय आग जैसी जलन रहती है, और उसी टाइप का मल भी आने लगता है, जैसे एसिड के बनने से हमारे गले तक जलन पैदा होती है, उसी तरह वो जलन हमारे मल द्वार में से भी गरम गरम मल निकलता है, यूरिन में भी बहुत ज़्यादा जलन होती है, बार बार यूरिन जाना पड़ता है, और हर समय पेशेंट को मल द्वार यानी गुदा द्वार में एक जलन जैसा आभास बना रहता है। उसके लिए आयरिस वर्सिकलर, आयरिस वीर भी इसको कहते हैं, ये 200 पोटेंसी में यदि आप पेशेंट को सुबह शाम देते हैं तो आपका आपके शरीर में अक्षारीय तत्व उत्पन्न करना शुरू कर देती है मेडिसिन। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि हमारे शरीर में अक्षार का काम क्या होता है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में दो चीज़ें होती है जो हमारे पाचन तंत्र को बिल्कुल ठीक रखती है। एक अम्ल होता है जो पित्ताशय से निकलता है, दूसरा होता है एल्कलाइन जिसे अक्षार कहते हैं, वो हमारे पैनक्रियाज ग्रंथि से जो स्राव निकलता है वो स्राव होता है। यदि ये दोनों स्राव बराबर समान मात्रा में हमारे शरीर में बनते हैं तो फ्रेंड्स, आपके शरीर में आप कुछ भी खाएं आपके शरीर में फैट नहीं चढ़ता। आपने देखा होगा, आप सोचते भी होंगे कि फला आदमी इतना खा लेता है फिर भी इसको मोटापा नहीं होता, तो ये उनके शरीर में एसिड और अक्षार समान मात्रा में होते हैं जो उसके भोजन को तुरंत डाइजेस्ट करके आगे हमारी आंतों में पहुंचाकर मल द्वार से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। जिन जिन को अक्षार कम मात्रा में बनता है, एसिड ज़्यादा बनता है, उनके शरीर में गैस्ट्रिक अल्सर जो मैंने अभी आपको उपरोक्त बताया है, ड्यूडिनम जो 12 इंच का हमारा एक पार्ट्स होता है जो छोटी आंत से जाके मिलता है, उसमें भी अल्सरेटिव कोलाइटिस की शिकायत हो जाती है, उसमें भी जख्म हो जाते हैं, और जख्म होने से हमारी दाहिनी पसली के नीचे हर समय दर्द और एक चस्चसाहट सी बनी रहती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण वीडियो है, यदि आप इसको चूक जाते हैं तो आप बहुत नुकसान उठाएंगे अपना, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही डीपली एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश की है। हमारे शरीर का सबसे जो मेन अंग हमारा लीवर, किडनी, पैनक्रियाज हैं, यदि इनमें कोई भी इफेक्ट आ जाता है तो हमारे शरीर का ढांचा ही बदल जाता है। अब मैं आपको एक तरीका और देसी फार्मूला बताता हूँ, जिसको यदि आप कर लेते हैं तो आपके शरीर में किसी भी दवाई को खाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपके शरीर में अक्षार और एसिड समान मात्रा में बनने शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो में पहले भी उसको बताया था, आप 2 लीटर पानी डेली पीजिए। अब वो पीना कैसा है, वो पानी आपको बनाना है, वो 2 लीटर पानी आपको लेना है, साफ स्वच्छ ताज़ा पानी लें आप, या उबाल कर बॉयल कर उसको ठंडा भी करके रख सकते हैं, जैसा आप समझे, गर्म पानी नहीं यूज करना, उसको ठंडा कर रखना है, मतलब फ्रिज का भी पानी नहीं लेना है, सिंपल पानी हो, जो गर्म किया हो जो आपने पानी, वो भी जब सिंपल पानी के जैसा उसका तापमान हो जाए। उसमें आपको करना क्या है, 2 लीटर पानी में आपको एक नींबू
पूरा बारीक बारीक हिस्सों में छिलके सहित काट लेना है, उसको उस पानी में छोड़ देना है। नींबू के ही साइज का आपको एक अदरक का टुकड़ा लेना है, उसको भी आपको महीन महीन बारीक बारीक काट कर उसमें छोड़ देना है। इसी तरह से आपको उसमें एक चम्मच, हल्का छोटा चम्मच, उसमें सेंधा नमक डाल देना है उसी पानी में। ये तीन चीज़ आपकी बन जाती है और तीनों चीज़ों को आप पानी में अच्छी तरह से मिलाकर मिक्स करके 12 घंटे के लिए रात को आप इस चीज़ को बना कर रख दें और सुबह से आप इस पानी को छान कर शाम तक इसी पानी को यदि आप पीते हैं, आप 15 दिन के अंदर अंदर अपने शरीर में एक नई ताजगी महसूस करेंगे, आपके शरीर में नई एनर्जी बननी शुरू हो जाएगी, आपके शरीर में नई कोशिकाओं का उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। ये नई कोशिकाओं को भी बनाती है, इतना बेस्ट ये पेय है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेडिसिन और पैनक्रियाज में क्या क्या दिक्कत होने से हमारे शरीर में इफ़ेक्ट हो सकते हैं ये हमने बताया है। ये हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हमारे शरीर में हम जो भी भोजन लेते हैं वो हमारे पेट से होकर ही जाता है, और जब वो भोजन सही ढंग से पचेगा नहीं तो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं वो हानि पहुंचाने का कार्य करेगा खाया हुआ भोजन। लाभ के बजाय जो भोजन हम स्वस्थ रहने के लिए, अपने शरीर को लाभ पहुंचाने के लिए अच्छा अच्छा ड्राई फ्रूट, घी, दूध, मक्खन ये खाते हैं, लेकिन जब ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो पाचन सिस्टम है, वो उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, उसका पाचन नहीं करेगा, तो हमारे शरीर को वो लगने की बजाय वो नुकसान करना शुरू कर देगा। और खाया हुआ भोजन हमारा मल के द्वारा एज इट इज, जैसा खाया ऐसा ही मल के द्वारा निकलना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैनक्रियाज के लिए, क्या क्या पैनक्रियाज के काम होते हैं, पैनक्रियाज से आगे हमारा इसमें क्या क्या स्राव की ज़रूरत होती है, हमारे लीवर से कौन सा स्राव जाता है, हमारे भोजन खाया हुआ भोजन सबसे पहले ड्यूडिनम में जाता है, ड्यूडिनम से ये हमारी आंतों में पाचन हो के आगे निकलता है। यदि इसका पाचन सही नहीं होता तो ये हमारे सबसे पहले ड्यूडिनम में अल्सर करता है, और ड्यूडिनम में अल्सर होने के साथ साथ इसका अम्ल जब आगे जाता है तो हमारी आंतों में भी जख्म बनाने शुरू कर देता है, जिसे कोलाइटिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं, इसको ड्यूडिनम अल्सर भी कहते हैं। इस टाइप की बीमारी हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर होने लगती है, जिसकी वजह से दूसरे भी देखने वाले कहेंगे कि भाई ये खाता पीता तो ठीक है और दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है, तो उसके लिए हमें अपने शरीर में एसिड और क्षार को सही रखना होगा, हमारे पैनक्रियाज को सही रखना होगा। यदि पैनक्रियाज सही काम नहीं करता तो 100% श्योर है कि आपको डायबिटीज भी हो जाएगी, यानी शुगर को बनाने का, शुगर को डाइजेस्ट करने का कार्य भी पैनक्रियाज का होता है। यदि पैनक्रियाज सही कार्य नहीं करता, क्लोम ग्रंथि, पैनक्रियाज को क्लोम ग्रंथि कहते हैं, यदि ये अपना कार्य सही ढंग से नहीं करते हैं तो आपको शुगर जो भोजन के द्वारा आपके शरीर में डाइजेस्ट होता है, आपके बॉडी को शुगर भी जितना ही आवश्यक है, यदि वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में, आपके यूरिन में शुगर जाना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पैनक्रियाज हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह से इसका स्वस्थ रहना ज़रूरी है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी, आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, यही हमारी ईश्वर से कामना है।